शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी विपक्ष पर हमला बोला है, क्या कुछ उन्होंने कहा आप खुद सुनिए। बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूर्व स्पीकर वाले एक्सपीरियंस के नाते ये समझना चाहूंगा, विपक्ष ये कह रहा है कि 9 दिनों में सरकार ने लीपापोती की है, समय ही नहीं दिया तमाम मुद्दों के ऊपर, ना कोई जांच का आश्वासन। नहीं, देखिए, जांच का आश्वासन उसी बात पे देता है जिसके ऊपर पहले ये हो गया कुछ सिद्ध करता हो, कोई किसी बात को सिद्ध करता हो। जिन मुद्दों पर उन्होंने बात रखी उन मुद्दों में कोई जांच की जरूरत थी नहीं, जिस पे थी नहीं तो उस पर जांच की जरूरत क्यों नहीं। अभी तो किसी विषय पे आप कहने लगोगे जांच कर दूं तो ऐसे जांच का कहे आदेश नहीं देंगे। हाँ, अगर लगता है तो, अगर कहीं भी सरकार को आज तक ये नजर आया कि यहाँ जांच कराने की जरूरत है, तो मेरा ख्याल है विपक्ष ने कहा भी नहीं उससे पहले कि किलोमीटर स्कीम थी, किसने कहा था हमारे से? किसी ने कहा। धान की अगर जांच की करने की बात थी, धान खरीद की जांच करने की, विपक्ष ने तब तक कहा भी नहीं, उससे पहले मैंने जांच करा दी। तो ये हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ थे, जो ये कह रहे हैं कि सभी विपक्ष के साथियों को पूरा मौका दिया गया है, लेकिन विपक्ष के जो मुद्दे थे जिनकी जांच नहीं हो सकती, उन मुद्दों पर जांच करवाने का आश्वासन भी नहीं दिया जा सकता।